स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। सो फाइनली आज के इस वीडियो में धमाका होने वाला है। जी हाँ, धमाका मीन्स क्लास ट्वेल्थ के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का धमाका। जी हाँ, हिंदी का, क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का जो बुक आप लोगों को पढ़ना है, जिस बुक का नाम है दिगंत हिंदी का बुक, तो उसी बुक से जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को कराया जाने वाला है आज के इस वीडियो में। समझिए कि ट्वेल्थ क्लास की हिंदी का ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है आज का ये वीडियो, पार्ट वन। इसी तरीके से पार्ट टू, पार्ट थ्री करके आप लोगों को वीडियो मिलेगा, और जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम्प्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग एक्साइटेड है कि नहीं? आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, ध्यान से सोच समझकर खुद से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे तो मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगी, पूरा कंप्लीट वीडियो को देखना है और हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, और फिर लास्ट में आप सभी लोगों का कितना सही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना गलत होता है, ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। लेकिन आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि फिर इसका नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट टू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप लोगों के पोल के हिसाब से, यानी कि आप लोग जिस तरह वोटिंग देंगे। अगर आप लोग का कमेंट आएगा कि जी मैम इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, तो बेशक इसका ज़बरदस्त धुआंधार और पूरा एनर्जेटिक नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट टू भी आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आज का ये वीडियो जो कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और फिर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और वैसे जो क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का बुक है ना, जिसमें जितने भी चैप्टर हैं, ऑल चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने ऑल चैप्टर नहीं पढ़ा है, जितने भी ट्वेल्थ क्लास के हिंदी में चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ढूंढने पर नहीं मिल रहा है वीडियो, तो मैं क्या की हूँ, डायरेक्ट उसी वीडियो का यानी कि जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, उसी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। सिंपली आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अभी, मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, बोल रही हूँ, इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। अब स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा, जो कि ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा होगा वो लिंक। ठीक है, तो काव्यखंड का अलग प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है और गद्यखंड का अलग प्लेलिस्ट का लिंक बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग काव्यखंड के सभी चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करें। अगर आप लोग गद्यखंड के सभी चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करें। वहीं पर आप लोगों को जितना भी वीडियो है मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो में जो है ना कंप्लीट कराया गया है। आप लोग हर एक चैप्टर को पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक कीजिए, आप लोग को सारा वीडियो ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का मिल जाएगा। एकदम ज़बरदस्त और धुआंधार अंदाज में क्लास ट्वेल्थ का हिंदी पढ़ाया गया है। हर एक चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से डीपली पढ़ाया गया और कंप्लीट कराया गया है, तो ज़रूर पढ़ें। मैं तो कहूँगी कि अभी तक आप लोग नहीं पढ़े तो ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद अब मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ के हिंदी का जितना भी चैप्टर है ना, गद्यखंड में 13 चैप्टर है, काव्यखंड में 13 चैप्टर, और एक्स्ट्रा 3 चैप्टर जो है ना प्रतिपूर्ति के लिए दे दिया गया है। यानी कि जो टोटल 29 चैप्टर है ना, यानी कि ट्वेल्थ क्लास के उर्दू के बुक में, सॉरी उर्दू में बोल रही हूँ, हिंदी के बुक में जो 29 चैप्टर है, ये सारे के सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार है कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, और खैर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बताई कि कंप्लीट देखना है, और हाँ, स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, जितने भी आप लोग रिश्तेदार हैं, छोटे बड़े भाई बहन हैं, चारों तरफ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इम्पॉर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। ऑप्शन ए में है राम मनोहर लोहिया, बी में है डॉक्टर अम्बेडकर, सी में है कर्पूरी ठाकुर, और डी में है जयप्रकाश नारायण। फटाफट आप लोग सबसे पहले तो अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि सभी सवालों का जवाब आप लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए, और तब मैं आप लोग को सही आंसर बताऊंगी।
तो आप लोग मिलाते चलिएगा और एंड में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन गलत हुआ और कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति आप लोग जानते हैं ये किसकी देन है, तो ये जयप्रकाश नारायण की देन है, इनको लोकनायक भी कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही संपूर्ण क्रांति हुई थी और यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। दूसरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, ऑप्शन ए में है दिनकर जी को, बी में है जवाहरलाल नेहरू जी को, सी में है रामनाथ गोयनका को और डी में है गंगा बाबू को। तो याद रखिएगा इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल जी को जो है ना जयप्रकाश नारायण भाई कहा करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ऑप्शन ए में है दिनकर, बी में है जयप्रकाश नारायण, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। आप लोग जानते हैं ऑलरेडी चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े रहे हैं पढ़ लिए होंगे तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप लोग दे सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल आप लोगों को लगेगा। दसवां सवाल है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग चैप्टर को पढ़ ज़रूर लें ताकि हर एक क्वेश्चन का आप लोग आसानी से आंसर दे सकें। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से जो परीक्षा दी थी वो कौन सी परीक्षा दिए थे, ऑप्शन ए में है मैट्रिक की हार का, मैट्रिक का, ठीक है, बी में है आईएससी का, सी में बीए का और डी में इनमें से कोई नहीं, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, आईएससी का एग्ज़ाम दिए थे बिहार विद्यापीठ से। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगला सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, ऑप्शन ए में छात्र सहोदर, बी में छात्र पत्रिका, सी में छात्र मित्र और डी में इनमें से कोई नहीं, तो जी हाँ उस पत्रिका का नाम था छात्र सहोदर, इसी पत्रिका में जो उनकी पहली कविता है दिनकर जी की वो प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई, तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1925 में प्रकाशित हुई थी। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा है, आप लोगों को पता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर में किसका गुड़ समन्वय है, ऑप्शन ए में है नारी के, बी में है पुरुष के, सी में है नारी और पुरुष दोनों के और डी में इनमें से कोई नहीं, तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के गुड़ जो है ना वो मिले हुए हैं अर्धनारीश्वर में, यानी कि स्त्री और पुरुष का कल्पित यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, वही बात कहा गया है कि नारी और पुरुष के दोनों गुणों का जो है ना समन्वय है अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दिनकर किस युग के कवि हैं, ऑप्शन ए में है भारतेंदु युग, बी में है छायावादी युग, सी में है छायावादोत्तर युग और डी में है नव्य काव्यांदोलन युग, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, छायावादोत्तर युग के जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल देखिए, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन ए में है मालती, बी में है लालती, सी में प्रभावती और डी में है कलावती, तो महेश्वर की पत्नी का नाम रहता है मालती, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, ऑप्शन ए में पद्मश्री, बी में पद्म विभूषण, सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना वो मिला था अज्ञेय जी को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, ऑप्शन ए में तिरिच, बी में रोज, सी में उसने कहा था और डी में सुखमय जीवन, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई जो कहानी है उस कहानी का नाम है रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पांचवा सवाल है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो वो आम लेकर आया था ना, जी हाँ वो जो है ना कागज़ में आम लपेट कर लेकर आया हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि अज्ञेय मूलतः क्या है, अज्ञेय जी मूलतः क्या है, क्या वो निबंधकार है या फिर उपन्यासकार है या फिर कहानीकार है या व्यंग्यकार है,
तो अज्ञेय जी जो है ना वो कहानीकार हैं। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी गैंग्रीन होगा। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गैंग्रीन नामक बीमारी किस पाठ से संबंधित है। ऑप्शन में दिया रहेगा रोज, उसको धीरे से टिक करना है। यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मालती का जो पति था वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, तो गैंग्रीन नामक बीमारी और गैंग्रीन बीमारी कैसे होती है, पूरी कहानी क्या ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है, कांटा चुभने की वजह से होता है ना। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति का नाम क्या था। ऑप्शन ए में है योगेश्वर, बी में है महेश्वर, सी में राजेश्वर और डी में परमेश्वर। तो मालती के पति का नाम था महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, तो उसका नाम था आनंद बिंदु, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर बीच में ज़रूर कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो फटाफट शेयर कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। नौजवान भारत सभा का गठन कब किया गया था ये आप लोगों को बताना है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1926 ईस्वी में भगत सिंह जो है ना वो अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किए थे। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो उनके पिता जो सरदार किशन सिंह और उनके चाचा जो अजीत सिंह थे वो सहयोगी थे, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय के। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है लाला लाजपत राय इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। ऑप्शन ए में है स्वराज पार्टी, बी में है स्वतंत्र पार्टी, सी में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी और डी में इनमें से कोई नहीं। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। छठा प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। जो बम फेंके थे भगत सिंह अपने मित्रों के साथ मिलकर, तो वो कब बम फेंके थे। तो ऑप्शन ए में 10 अप्रैल 1929 को, बी में 8 अप्रैल 1929 को, सी में 16 अप्रैल 1929 को और डी में 18 अप्रैल 1930 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 1929 को जो है ना भगत सिंह अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में ही डायरेक्ट बम फेंके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन ए में है बम का दर्शन, बी में है युवक, सी में है परिवेश और डी में है विद्यार्थी और राजनीति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवेश, क्योंकि यहाँ पर निबंध का पूछा जा रहा है, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। तो बम का दर्शन, युवक, विद्यार्थी और राजनीति, ये सब तो लिखा हुआ है लेकिन परवेश भगत सिंह का नहीं है। अगला सवाल है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन ए में है लोभ, बी में है प्रेम, सी में क्रोध और डी में है अहंकार। तो भगत सिंह के हृदय में यानी कि उनके दिल में जो है प्रेम की भावना का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। भगत सिंह को, यहाँ पर को रहेगा, भगत सिंह को अपने सजा अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। तो ऑप्शन ए में क्षमा का, बी में नम्र का, नम्र व्यवहार का, सी में मृत्यु दंड का और डी में आजीवन कारावास का। तो जो भगत सिंह जो थे उनको अपने लिए सजा के संबंध में जो विश्वास था वो ये था कि उनको मृत्यु दंड हो जाने वाला है, उनके यानी कि उनको विश्वास था कि मुझे मृत्यु दंड मिल जाने वाला है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो आए यानी कि पार्ट 2 आए तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।